जो कार्यकर्ताओं को अपना नौकर नहीं अपना परिवार समझे वो है हमारे सीएम शिंदे साहब। अरे आप लोग जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को नौकर समझोगे तो नहीं कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि खून पसीना बहा के ये बाबा साहेब ठाकरे जी के साथ कई हमारे वरिष्ठ नेता हजारों लाखों कार्यकर्ता उन्होंने बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करके शिवसेना को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं, ये हमारी जागीर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाबा साहेब ठाकरे जी का विचार आगे ले जाने वाले हम लोग हैं। जिसने बाड़ा साहब और धर्मवीर आनंद जी साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया वो है हमारे सीएम शिंदे साहब। कि हम लोग बाबा साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता लोग हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, शिवसैनिक है। धर्मवीर हमारे गुरुहरि आनंद जी साहब के जो विचार थे उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया था वो मार्ग से आगे जाने वाले कार्यकर्ता थे। जो कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे वो है हमारे सीएम शिंदे साहब। हमारे जो जिला प्रमुख तालुका प्रमुख मुंबई में आते थे, कैसे आते थे, उनको बुलाते थे, आना मुश्किल था, मध्य ये न जाना पन परवड़त न हो तो कैसे जाएंगे सोच में थे वो, क्योंकि मुंबई में पूरे राज्य में से कई बड़े मतलब जिलों में से दूर दूर से आना आसान काम नहीं, उसके पैसे लगते, गाड़ी भाड़ा लगता है, कभी सोचा? जो शिवसेना पार्टी को और शिवसैनिकों को मजबूत बनाने का कार्य करे वो है हमारे सीएम शिंदे साहब। यही एकनाथ शिंदे ने उनको नगर विकास विभाग से एक एक दो दो चार चार करोड़ का फंड दिया, बोले आपके इसमें काम करो, कहा कि बोले मैंने कहा था, मैंने बोला था, आपको मिला कि नहीं? अरे आपको तो मालूम ही नहीं था कुछ, मैं देने का काम करता हूं और कुछ लोग सिर्फ लेने का काम करते हैं। आओ हम सब मिलकर 5 अक्टूबर को बीकेसी बांद्रा सीएम शिंदे साहब के कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुत्व और शिवसेना को मजबूत बनाने का कार्य करें। जय महाराष्ट्र।